हेलो फ्लॉनर्स, दिस इज निकिता। और क्या आपको पता है, चाइनीज गवर्नमेंट से एक बार गलती से कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे, जिन डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा था कि यूगुर कैंप्स में रह रहे मुस्लिम लोगों को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। अब चाइना यूगुर के मुस्लिम्स लोगों के लिए एक डिटेंशन कैंप चला रहा है, ये बात तो सबको ही पता है। लेकिन जो बात आपको नहीं पता है वो ये है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश इस चीज के लिए चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यार क्यों? इनफैक्ट जब चाइनीज गवर्नमेंट से इस कैंप्स के बारे में पूछते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि ये एक री एजुकेशन का कैंप है, जहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन चाइना के इन कैंप से रिलीज हुए कुछ पिक्स तो कुछ और ही कहते हैं। उन कैंप्स के काफी सारे सर्वाइवर्स ने ये कहा है कि उन्हें वहाँ पे अपना धर्म छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इलेक्ट्रिक चेयर्स में इलेक्ट्रिक्यूट कर देना, दिन रात मारना और न जाने क्या क्या। सो वेल, आखिर उन कैंप्स में हो क्या रहा है और चाइना क्यों इसे पूरे दुनिया से छुपा रहा है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी मुस्लिम मेजोरिटी देश इस चीज में भी चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं? वेल लेट्स फाइंड आउट। सो वेल, सबसे पहले ये जानते हैं कि यूगुर्स कौन होते हैं। वेल, यूगुर्स चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी कि शिनजियांग यूगुर ऑटोनॉमस रीजन में रहने वाले एक एथनिक ग्रुप है। इन लोगों की आबादी तकरीबन 1 करोड़ लोगों की है और इनका मेंशन चाइना के 3rd century के रिकॉर्ड्स में भी पाया जाता है। दरअसल यूगुर्स एक टर्किक बोली वाले सेंट्रल एशिया के सबसे पुराने कम्युनिटीज में से एक है, जिन्होंने 10th century में इस्लाम को अपना रिलीजन के तौर पर एक्सेप्ट किया था। अब ये चाइना में इतने पहले से होने के बावजूद भी यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्यों आखिर भी चाइना की गवर्नमेंट यूगुर्स को इतना ज्यादा टारगेट कर रही है। सो वेल, दरअसल यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की गवर्नमेंट ने इस एथनिक ग्रुप यूगुर्स को चाइना के लिए एक टेररिज्म का थ्रेट कहा है। सो अब ऑब्वियसली हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर यूगुर्स कैसे बन रहे हैं इनके लिए एक टेररिस्ट थ्रेट, और वेल उसके पीछे का कारण है चाइना ने ही इसका बीज बोया है। अब देखो, शिनजियांग चाइना का ये वाला पार्ट है, लेकिन ये 1750 के पहले एक ऐसा जमीन का टुकड़ा था जिसमें 3 से 4 डायनेस्टीज की नजर थी, लेकिन फिर एंड में इसे कैप्चर कर लिया चाइना की चिंग डायनेस्टी ने। बट शिनजियांग के लोग चाइनीज एथनिसिटी से नहीं बल्कि कजाकिस्तान के एथनिसिटी से ज्यादा मेल खाते थे, यानी कि मुस्लिम्स थे। क्लैशेस तो होने ही थे और वो भी रहे थे, लेकिन फिर यही क्लैशेस को एक मेजर आग दिया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CCP के 2 मेजर पॉलिसीज ने। नंबर 1, 1958 का द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, यानी कि शॉर्ट में कहो तो डाइल्यूटिंग मुस्लिम्स इन शिनजियांग की पॉलिसी। इसके लिए CCP ने मेनलैंड चाइना के ट्रेडिशनल हान कम्युनिटी के लोगों को शिनजियांग में भेजना शुरू कर दिया था और इनफैक्ट उन्हें वहां पे जाने के लिए इंसेंटिव्स देना भी शुरू कर दिया। पॉलिसी नंबर 2, 1966 का कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें CCP ने कई मॉस्क्स और कुरान को पब्लिकली सरेआम डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नीडलेस टू से, ये दोनों ही पॉलिसीज ने शिनजियांग के लोगों के दिलों में CCP के खिलाफ एक आग भड़का दी, और अब जब आग लगेगी तो धुआं तो निकलेगा ही। बस यही धुआं था शिनजियांग के लोगों द्वारा शुरू किया गया ईस्टर्न तुर्किस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बाय द वे US स्टेट डिपार्टमेंट के हिसाब से आज तक का द मोस्ट मिलिटेंट एथनिक यूगुर सेपरेटिस्ट ग्रुप है। अब इस मिलिटेंट ग्रुप की मांग एकदम सिंपल थी, एक सेपरेट ईस्ट तुर्किस्तान। लेकिन इस सिंपल सी मांग की वजह से कई सारे दंगे फसाद हुए, मारामारी हुई, लेकिन इसमें से एक इवेंट इन यूगुर मुस्लिम्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। 2009 में CCP पर किए गए इनके प्रोटेस्ट के दौरान इन मिलिटेंट लोगों ने 200 चाइनीज लोगों को मार डाला। अब क्या इस पे CCP चुप बैठेगा? वेल, 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस पर सिर्फ 4 शब्द बोले, रिस्पॉन्ड विद नो मर्सी, और इसी नो मर्सी वाली पॉलिसी से ही शुरुआत हुई यूगुर के वर्ल्ड वाइड इनफेमस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की। लेकिन यार अभी भी एक डाउट है, आखिर क्यों चाइना इन यूगुर्स को ऐसे सप्रेस करना चाहता है? सो वेल फ्लोनर्स, इसके पीछे भी 3 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, रिच नेचुरल रिसोर्सेज। शिनजियांग में ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर और कोल के बहुत सारे रिजर्व्स हैं। नंबर 2, वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव। चाइना को अपने डेवलपमेंट प्लान में कोई भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटी का धोखा नहीं चाहिए, ऑब्वियसली बात है, एंड यूगुर्स का ये एरिया वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के एकदम मेन पॉइंट पे आता है। रीजन नंबर 3, पॉलिटिकल कंट्रोल। शिनजियांग रीजन मेनलैंड चाइना और सेंट्रल एशिया का मेन कनेक्शन है, और इसीलिए चाइना को ये लगता है कि सेंट्रल एशिया का अरब टर्मोइल शिनजियांग में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को और ज्यादा बढ़ावा देगा, और इसीलिए इससे पहले कि सिचुएशन बढ़े वो लोग और ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए उन पे प्रेशर डालना शुरू कर दो।
सो चलो अब ये तो हम जान गए कि इसके पीछे क्या रीजंस है कि चाइना इन युगोस को सप्रेस कर रहा है, लेकिन यार इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में किसे और कैसे डाला जाता है? सो वेल, इसके लिए सीसीपी ने रखी है कुछ शर्तें जिसके बेसिस पर युगोस को कैद किया जाता है। सो वेल, सबसे पहले तो एक तुर्की मुस्लिम की जिंदगी जीना, यानी नमाज पढ़ना, हिजाब पहनना, मॉस्क में जाना, और बस यही नहीं तो कुरानिक वर्सेस को टेक्स्ट करना, उसे बोलना भी एक जुर्म के तौर पर माना जाता है। नंबर टू, मुस्लिम्स के ज्यादा बच्चे होना। अब युगुर को सप्रेस करने का सबसे बड़ा हथियार बना सीसीपी की वन चाइल्ड पॉलिसी, जो एक्चुअली तो वो कई साल पहले ही ठुकरा चुके थे, लेकिन इसी पॉलिसी के बेसिस पर युगुर जिनके घर में ज्यादा बच्चे हो उन्हें कैद करना चालू कर दिया। ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो एसोसिएटेड प्रेस के स्कॉलर एडियन जेंस ने पब्लिश की थी, इसके मुताबिक 484 कैदियों में से 149 से ज्यादा बच्चे ही थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाने का रीजन नंबर थ्री है दूसरे कंट्रीज से कांटेक्ट करना। चाइना के जिन भी 26 कंट्रीज के साथ सेंसिटिव रिलेशंस है, जैसे कि टर्की, अफगानिस्तान, ऐसे कंट्रीज में रहने वाले लोगों के साथ कांटेक्ट करना या फिर इन कंट्रीज में ट्रैवल करना भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। सो बस इन सब के बेसिस पर ही युगोस को इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला जाता है। बट यहाँ पर सवाल ये आता है कि ऐसा क्या होता है इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जिसके वजह से ये कैंप्स पूरी वर्ल्ड वाइड इनफेमस है अपनी क्रूरता के लिए। सो वेल, आज तक ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जो होता है अगर उसको सिर्फ एक वर्ड में जवाब देना है तो वो है टॉर्चर। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन कैंप्स की एक खासियत है, वो है टाइगर चेयर। अब ये एक ऐसा चेयर है जिस पे बिठा कर युगुर्स के हाथ पैर को बांध दिया जाता है और सर पर एक हेलमेट रख दिया जाता है जो उस युगुर को कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है। इसके अलावा पनिशमेंट के तौर पर बेरहमी से उनको मारना या फिर इंटरोगेशन के नाम पर उन्हें सोने ही नहीं देना, ये सब तो एकदम आम बात है, जिसका खुलासा किया इन कैंप से रेस्क्यू किए गए विक्टिम्स ने, जिसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। एविडेंस नंबर वन, They didn't just rape. They had beaten all over my body. They had an electric baton. It was pushed into my private parts and I was tormented with electric shocks. ये बयान है तुरसुनै जियाउद्दीन का, जो 9 महीने इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद थी। एविडेंस नंबर 2, उस कोनो दो ये दो कोनो यो सन ओइलाप तुरमेगा etrafındaki yakın dostların, tukanların hatta yoluşumum demeyse köygen ağlagan bilgen her şey. ये है किल्बिनूर सदीक, जिसे फोर्स किया था इन कैंप्स में कैदियों को मैंडरिन सिखाने के लिए, चाइनीज भाषा सिखाने के लिए। अब ये सब देख के एक बात तो एकदम क्लियर है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी को चाइना में से इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म करना है, एंड इसे ही पूरा करने के लिए उन्होंने अपनाए हैं कुछ पॉलिसीज। नंबर वन, पॉपुलेशन कंट्रोल। अब ये किया जाता है सारी 16 से लेकर 59 सालों की वुमेन को फोर्स्ड आईयूडी यानी कि इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, जो एक तरीके का टेम्पररी स्टेरिलाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन करके और एबॉर्शन करवा के ही। और इसका नतीजा आज की तारीख में जिंगजियांग में युगुर्स की पॉपुलेशन सिर्फ 42% है, जो पहले 1950s में 76% हुआ करती थी। मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का तरीका नंबर टू है इंडॉक्ट्रिनेशन, मतलब मुस्लिम्स को ऐसे ब्रेन वॉश करना कि वो अपना धर्म ही भूल जाए। अब ये करने के लिए इन युगुर्स को उन कैंप्स में चाइनीज लैंग्वेज सिखाई जाती है, आई कैनॉट लिव विदाउट सीसीपी, ये बोलने के लिए फोर्स किया जाता है, और साथ ही जी जिनपिंग के स्पीचेस कंपल्सरीली सुबह और शाम सुनना और पढ़ना इज अ मस्ट। बट बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इन मुस्लिम्स को पोर्क और अल्कोहल भी जबरदस्ती दिया जाता है, जो आई एम श्योर आप सब जानते होंगे ये सारी चीजें इस्लाम के खिलाफ है। बट यहाँ पे फर्नर्स सिर्फ युगुर्स को खत्म करने से या फिर उन्हें टॉर्चर करने से चाइना को कोई फायदा नहीं है, और इसीलिए सीसीपी ने किया स्किल लर्निंग के नाम पे फोर्स्ड लेबर को प्रमोट। द ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से 2017 से आज तक कुछ 80,000 युगुर्स को चाइना से जुड़े 83 ग्लोबल ब्रांड्स और उनकी फैक्ट्रीज में बेच दिया गया है। साल 2020 में यूएस कांग्रेस के मेंबर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें अमेरिका ने ये क्लियरली बताया कि उनके बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस जैसे कि नाइकी, कोका कोला और एप्पल जिंगजियांग में होने वाले फोर्स्ड लेबर से अपना फायदा कमा रहे हैं। अब रनर्स जब भी इन युगुर्स पर हो रहे अत्याचार के बारे में इन चाइनीज गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पूछा जाता है, तब आपको क्या लगता है उनका जवाब क्या होगा? तो फिर आइए वो भी जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, चाइनीज एम्बेसडर्स को जब जिंगजियांग की सिचुएशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये क्लियर कट कह दिया कि ये तो सब झूठी कहानियां हैं जो चाइना का नाम खराब करने के लिए बस बनाई जा रही है, फैलाई जा रही है। The so-called Western intelligence keeping up make this a false accusation against China. This is not true. The facts just show the opposite. People in Xinjiang enjoy happy life. एग्जाम्पल नंबर टू, वहाँ के प्रेसिडेंट खुद
जी जिनपिंग का ही ये कहना है कि इनकी पॉलिसीज की वजह से ही जिंगजियांग में हैप्पीनेस और सिक्योरिटी आई है। जिंगजियांग के गवर्नर्स के हिसाब से 2019 में जिन भी युवर्स को रिलीज कर दिया गया था वो सारे अपने ट्रेनिंग में ग्रेजुएट हो चुके थे और अब वो फाइनली एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए तैयार थे। लेकिन चलो ये तो हुई चाइना की बात, वो ऑब्वियसली अपने पॉलिसीज को डिफेंड ही करेगा। लेकिन इस मुद्दे पर दुनिया के बड़े बड़े देशों ने क्या कहा है, उन्होंने इस पर क्या किया है या फिर वो क्या कुछ कर रहे हैं? सो वेल, सबसे पहले जानते हैं जो ह्यूमन राइट्स के रखवाले हैं, यानी कि यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन का इस पे क्या कहना है। यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने 2018 में ये कहा कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं कि चाइना की जिंगजियांग में 10 लाख लोगों को काउंटर एक्सट्रीमिज्म सेंटर्स में रखा गया, जिसके खिलाफ कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना के इस रीजन की जांच पड़ताल करने के लिए मांग की। नंबर 2, अब जानते हैं वर्ल्ड के सुपर पावर यानी कि यूएसए जिंगजियांग के बारे में क्या कहते हैं। वेल, यूएसए ने तो जिंगजियांग से रिलेटेड पुलिस ऑफिशियल्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और इस रीजन से जुड़े हुए कंपनीज को भी बैन कर दिया है। इनफैक्ट यूएसए ने तो इन युगुर कैंप्स को ह्यूमन जिनोसाइड कहा है और वो लोग युगुर के रेफ्यूजीज के लिए कुछ कैंपेन्स भी चला रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पर हो रहे अत्याचार पर चाइना के ट्रेड पार्टनर्स, जो बाय द वे मुस्लिम देश ही हैं, वो लोग तो चाइना के ये एंटी एक्सट्रीमिज्म और सो कॉल्ड री एजुकेशन कैंप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यस, सीरियसली, साल 2019 में कई यूरोपियन कंट्रीज जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, ऐसे कंट्रीज ने मिलकर एक लेटर साइन किया और मिलकर इसे यूएन के ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के चीफ को दे दिया, जिसमें बेसिकली चाइना में युगर के साथ हो रहे नाइंसाफी पर सवाल उठाए गए थे। अब इस वक्त आप मानोगे नहीं, लेकिन यहाँ पर चाइना के सपोर्ट में अरब्स और मुस्लिम मेजोरिटी वाले सारे देश थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। इनफैक्ट इन्होंने तो चाइना की तारीफ में खत भी लिख दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि चाइना ने तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट किया है ह्यूमन राइट्स के तरफ और जिंगजियांग के काउंटर टेररिज्म पॉलिसी की भी बहुत तारीफ की। We support the developmental policies of China that have lifted people out of poverty. अब सवाल ये आता है कि हमारा देश, हमारा भारत, इंडिया इसके बारे में क्या स्टैंड रखता है। सो वेल, इंडिया इन री एजुकेशन कैंप्स के इशू पर फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब फ्लोनस, फिलहाल ये कहना तो मुश्किल है कि ये जो अरेबिक कंट्रीज है, क्या ये एक लॉन्ग टाइम तक चाइना में इसका साथ देंगे। लेकिन फिलहाल तो सारे अरब देश इस इशू को सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या जिंगजियांग में हो रहे युगुर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? वो इनके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन जब इंडिया कोई भी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी या इवन इंटरनेट भी बंद कर देता है तो वो इनके लिए ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है। सो बेसिकली चाइना, जो इनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, कुछ भी ऐसा कर देता है तो तब वो उनके लिए एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी बन जाता है। इंडिया करे तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। मे बी इसीलिए इस डुअलिटी की वजह से ही इंडिया का स्टैंड इस पे एकदम न्यूट्रल है। बट अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस पे आपको क्या लगता है, क्या इन अरेबिक कंट्रीज का ऐसे डुअलिटी दिखाना सही है या फिर गलत? क्या इंडिया का इस पे न्यूट्रल स्टैंड लेना सही है या फिर गलत? और अगर गलत है तो इंडिया को इसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए? वेल, आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू नो। ये वीडियो इसी इंटेंशन से बनाया गया था ताकि इस इशू पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई जा सके, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी वहां पर हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करते हुए पकड़ा गया है फिर ऑब्वियसली बात है उन पर लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर चाइना का बिना किसी रीजन की वजह से, बिना किसी प्रूफ की वजह से एक मास स्केल पर ऐसे करना, सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भर्ती करके उन्हें टॉर्चर करना सही है? बट अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो ताकि ये बात सब तक पहुँच सके। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो इसे एक लाइक कर दो और ऐसे ही इन्फोटेनमेंट और सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करने वाले वीडियोस के लिए गेट्स एट फ्रंट को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्रंट की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।